गाइज वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JKSSB क्लास 4 रिजल्ट अपडेट। क्योंकि गाइज कंटिन्यूसली आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते, कुछ कमेंट्स भी देख रहा था कि सर आखिरकार JKSSB क्लास 4 का रिजल्ट निकलेगा कब। देखो इसका आंसर तो आई थिंक सिर्फ खालिद जहांगीर जी जो चेयरमैन है JKSSB के, आई थिंक वो ही दे सकते हैं। एंड अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अभी आपको याद होगा एक और एग्ज़ाम अभी रिसेंटली JKSSB द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया था अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज, आप लोग जानते हो उसका फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 5 अप्रैल को। उसका रिजल्ट आ चुका है, पहले मार्क लिस्ट का रिजल्ट जिसमें मार्क्स शेयर हुए थे, देन उसके प्रोविजनल, देन उसके बाद नाउ अभी रिसेंट जो अपडेट है जिसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम रिक्रूटमेंट एजेंसी थी JKSSB फॉर क्लास 4 एंड सेम रिक्रूटमेंट एजेंसी थी फॉर दिस जो अभी रिसेंटली अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज हुआ था। अब भाई साहब इतना भेदभाव क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। एंड द पॉइंट इज कि आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न व्हाई JKSSB इज डिलेइंग दिस रिजल्ट। क्योंकि JKSSB के लिए रिजल्ट निकालना एक रिजल्ट होगा, बट ये रिजल्ट अराउंड 9000 जो 9000 लगभग 8000 कुछ वैकेंसीज, उन फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स जो हमारे एस्पिरेंट्स पहले ही यहाँ पे कितनी ज़्यादा जॉब्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये होप है एंड वो चाहते हैं कि जॉब्स यानी कि रिजल्ट निकले सो डैट कि उनको पता चल पाए कि क्या आखिरकार क्या है। अब देखो आप लोगों को काफ़ी हंसी आएगी, आप लोग सोचिए जब आप चीज़ों को डीपली सोचेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आखिरकार हमारे आगे पीछे सर्कल चल क्या रहा है। अभी आप सोचिए कुछ टाइम पहले ही 2 मई को ही जो प्रेफरेंस भरना था बच्चों को, क्लास 4 के एस्पिरेंट्स को, लगभग 4.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे क्लास 4 के एस्पिरेंट्स को प्रेफरेंस भरना था। अब उसमें भी आप लोग जानते हो पहले कुछ डेट थी, फिर उसके बाद उसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ा था। आप लोग एक चीज़ सोचिए, खुद सोचिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने होंगे, 8000। क्यों ना JKSSB ऐसे करता, पहले रिजल्ट निकाल लेता एंड उसके बाद उसको बच्चों को प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन देता जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हालांकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तो जॉब लगनी है जिन्होंने भर दी प्रेफरेंस, जिसके 10-12 मार्क्स हैं उनको भी आप बोल रहे हो ओपनली कि आप लोग आके प्रेफरेंस भरिए। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, दिस इज अ रीज़न कि एग्जाम रिजल्ट को डिले करना एक रीज़न ये डिले है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें सीधी उंगली से निकल सकती है तो उसके लिए आप लोग उल्टे सीधे तरीके क्यों अपना रहे हो। आप लोग रिजल्ट निकालिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो अपनी प्रेफरेंस भरेंगे, ओके। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सबको विंडो सबके लिए ओपन थी, आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी थी कि जो भी था व्हाटएवर जो भी आपने भरी होगी। अब मिस्टर खालिद जहांगीर जी आप लोग देखो, अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अब सेम रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनका रिजल्ट आपने विद इन 10 आई थिंक हार्डली 1 महीना भी नहीं लगा होगा, हाँ लगभग 1 महीना लगा था एंड इसमें मार्च का पूरा मंथ हो गया था, अप्रैल का पूरा मंथ हो गया एंड मई भी, अब आज 20 मई है, लगभग मई भी ख़त्म होने वाला है। अब लॉकडाउन का तो कोई बहाना नहीं है कि रिजल्ट लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप सेम रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो अगर आप दूसरे जॉब्स के लिए रिजल्ट निकाल सकते हो, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो देन वाई विद द एस्पिरेंट्स ऑफ JKSSB क्लास 4 की रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो आप लोग। सो इसके पीछे रीज़न का तो मुझे भी नहीं कोई आइडिया क्योंकि अब क्या चीज़ है। एंड आप लोग भी, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर रेज अवर वॉइस कि कब आएगा रिजल्ट। देखो अभी तक तो रेज वॉइस कर ही सकते हैं हम लोग, बस वीडियो ही बना सकते हैं फिलहाल तो, क्योंकि COVID-19 पैंडमिक चल रहा है। एंड द पॉइंट इज़ कि हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वही कहते हैं ना, अगर कोई करना चाहे किसी को, इफ़ समवन इज़ विलिंग टू डू दे कैन डू एनीथिंग। अभी रिसेंटली DRDO द्वारा 500 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया एंड वही सोचिए आप लोग, हम आप लोग अपनी सरकार की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी नालायकी की आप समझिए। आप सोचिए कि हमारी इंडिया की वैक्सीन है, इंडिजीनियसली हमने बनाई है एंड बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड वैक्सीन टू ऑल द पीपल्स ऑफ अवर कंट्री। एंड अभी मैं रिसेंटली, मतलब सरकार है ना, सरकार कुछ भी कर सकती है राइट नाउ, दिस इज़ द पॉइंट कि हमारे जेंट का। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ सुन रहा था कि जम्मू हमारे पूरे UT में फर्स्ट बन चुका है जो 100% वैक्सीनेट हो चुका है 45+ कैटेगरी। मुझे अब काफ़ी हंसी है सुन के, क्योंकि
मेरी फैमिली में ही दो मेंबर ऐसे हैं जिनकी अभी फर्स्ट डोज लगी है एंड अभी सेकेंड डोज नहीं लगी है। अभी उसकी सेकेंड डोज अभी 10-15 दिन बाद लगने वाली है। तो ये मतलब आप लोग भी जानते हो, आपके भी आसपास बड़े लोग होंगे, आपकी फैमिली में भी कितने लोग होंगे जिनकी एक ही डोज लगी। एंड हमारे J&K के जम्मू की यूटी मतलब जम्मू की बात की ये रिपोर्ट है कि जम्मू 45+ कैटेगरी में वैक्सीनेट हो चुका है। मतलब द पॉइंट इज कि सरकार कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। अब ग्राउंड रियलिटी में तो आप ये भी सुनते हो कि इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इतने वेंटिलेटर्स हैं। ग्राउंड रियलिटी में आगे देखिए कि क्या है, वही JKSSB की बात है। JKSSB फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा। ग्राउंड रियलिटी में आगे देखिए कि ये कैसे, जैसे वो टाइम वाली की बात होती है ना कि इतना टाइम इसमें लगाना, इतने फॉर्म्स, अननेसेसरली स्टेप्स उठा के वेस्टेज ऑफ टाइम हुए जा रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी एजेंसीज की तरफ से। बाकी देखिए अब क्या होगा आगे, जो भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा तो वो मैं शेयर ज़रूर करूंगा। बट काफ़ी चीज़ें बुरी लगती हैं क्योंकि एज अ यूथ आप लोग जब ये चीज़ें सोचेंगे एंड आप सोचेंगे कि अब इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली में आपके सबसे सबसे बड़े फादर हो गए जो भी है आपकी फैमिली में, तो वही कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स करें तो फिर जब वो कुछ खुद कोई बड़ा गलत करके आता है ना, तो वो फिर छोटों को टारगेट नहीं कर पाता। तो वही चीज़ है हमारी सरकार ही, हम लोग सोचिए कि सरकार हमारी वैक्सीन खुद की झूठे बतावे। अब 100% वैक्सीनेट J&K जम्मू कहाँ हो गया भाई? फोर्थ जो 18+ कैटेगरी में देखो आप लोग, वैक्सीन के 4 हफ्ते तक स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो वाई एंड क्या बनने क्या वाला है एंड लेट्स होप कि रिजल्ट जल्दी निकले। बट यही था अपडेट आप सबों के लिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं कि सर कुछ तो बताओ, कुछ वीडियो बताओ इसके रिलेटेड कि कब होगा। होप सो रिजल्ट जल्दी निकले एंड जो भी निकले फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो एंड वी होप फॉर द गुड। एंड मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ JKSSB Class 4। बाकी आप लोग तैयारी बनाए रखें एंड बाकी पैंडमिक है तो घर ही बैठिए एंड देखते रहिए क्या करती है हमारी सरकार, हमारी होल्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है हमारे लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड शेयर करें इस वीडियो को।